90 को चला अब। 90 को चले, देखो 90 को चले, अभी भी चल ही रहे हैं। तो ये मैं तड़का लगा रहा हूँ, ये मटेरियल काट दिया यहाँ पे। क्या नाम भाई? सनकू। सनकू आपका नाम क्या है भाई? बाबू। बाबू और आपका? अभी देवता पहुंच चुका है स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ से अब ऊपर को जाएंगे। अभी स्वागत हो रहा है देवते का यहाँ पे और ऊपर भी अभी स्वागत होगा बहुत जबरदस्त तरीके से। आज ऋषि पंचमी है तो ऋषि पंचमी का ये त्योहार साल में एक बार होता है। बहुत ही जबरदस्त ब्लॉग है आज का, फुल डे ब्लॉग रहेगा। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और आज का मौसम बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं बादल बादल हो रखे हैं चारों तरफ, बहुत ही जबरदस्त मौसम हो रखा है। और ये सुबह सुबह मैं भी उठ गया है, खाएगा तो अभी थोड़ी देर में चलेंगे हम मार्केट और सामान लाने को है। सामान लाएंगे, क्या क्या सामान लाना है वो आपको दिखाएंगे। तो बने रहें ब्लॉग में और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मालवी है और मालवी तैयार हो गई है। कहाँ जा रही है? तुम्हें मेला देखना कल, कल देखना, अभी जा रही है। ठीक है तो बाय। दादू नमस्ते, चरण बंदे। ठीक है दादू, हेलो करो। हेलो करो। हेलो 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 हेलो। ठीक ठाक? ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया ना? वही वही। ये हमारे दादू जी। दादू जी की उम्र होगी कितनी? दादू कितनी उम्र हुई? 90 को चला अब। 90 को चले, देखो 90 को चले, अभी भी चल ही रहे हैं। और ये ताई जी, चरण बंदे जी। ठीक है चलो जी। ठीक है अभी चल रहे हैं हम परे धनिया लाने आंटी के घर में। अभी ये ग्राउंड खाली है और शाम को आपको भरी ग्राउंड दिखेगा। ये वाह चाचा वाह, क्या हाल है? ठीक है, हमारे गांव में ऐसे मर्द होते हैं, झाड़ देते हैं। और ये कितू बैठी हुई यहाँ पे, क्या कर रही है? फोन छेड़ रही थी। और ये गिट्टू भाई, और गिट्टू भाई मसाला इतनी जल्दी बना रहे हैं आप? खाना बना सुबह जल्दी है, सुबह जल्दी उसके बाद और काम करेंगे। अच्छा, तो ऐसे मसाला बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा लेकिन मैं शाम को बनाऊंगा। अभी धनिया लाने जाता हूँ, पहले परे धनिया लेके घर छोड़ते हैं और उसके बाद निकलेंगे मार्केट के लिए। तो अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे आंटी जी के यहाँ घर में और आंटी जी धनिया निकाल रहे हैं, धनिया का बैग भर के दे रहे हैं उनको। वाह जी, बस आंटी बस बस बहुत हो गया। ठीक है जी, तब क्या हुआ। थैंक यू सो मच जी। ओके ओके साहिल, साहिल बाय। ठीक है, रात को आ जाना। ओके, रात को आए जी। ओके, मिलते हैं फिर। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से खेतों के, ये मेरा शॉर्टकट है रास्ता घर के लिए यहाँ से सीधा। तो यहाँ से रास्ता ये है, मिर्च लगी हुई है यहाँ पे, ये मेरा खेत है पूरे का पूरा। पीछे तक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये ऑर्चर्ड है अपना। और स्टार्टिंग में अभी पेड़ है, जापानी फ्रूट है, और नीचे से लेके जापानी फ्रूट है, मतलब पूरे इसके अंदर भी जापानी पेड़ है। कम से कम यहाँ पे 400 पेड़ है। तो अब चलते हैं घर में जल्दी से, खा के चेक करते हैं कि कैसा फ्रूट है। बहुत टेस्टी है, मीठा है। ये ऑर्चर्ड के बीच से जा रहा हूँ, ये पेड़ थोड़े बड़े हैं क्योंकि ये पहले लगाए हुए थे। तो गाइस अभी निकल चुके हैं हम घर से और सब्जी मंडी जा रहे हैं। गैंजी मेरे साथ में है और अभी निकलेंगे हम जल्दी से, सब्जी वगैरह राशन वगैरह जो भी खाने पीने का सामान होता है वो सब कुछ लेके आएंगे घर के लिए। लिया है सामान? क्या क्या लिया? तो अब चलते हैं नीचे सामान लेते हैं। 4 किलो है पूरी? 4 किलो। अदरक डालो आधा किलो। हाँ डाल लो अदरक। क्या नाम भाई? सनकू। सनकू आपका नाम क्या है भाई? बाबू। बाबू और आपका? आकाश। आकाश और आपका भाई? रामदीन। रामदीन, तो भाई लोग हैं यहाँ पे, अभी ये डालेंगे सब्जी। भाई जल्दी जल्दी डालो थोड़ा यार। सब्जी सब्जी तो क्या डालूँ बाबू जी, उतना अदरक डालो आधा किलो। हाँ तो बाहर जल्दी डाल दो, ब्लॉक में आएंगे तुम तो भाई साहब डालेंगे। चार चार भाई लग गया, अभी थोड़ा सस्ता हुआ, मैं लाए 2500 रुपये निकाल के। तो भाई जी इस भाई साहब ने पूरी हेल्प की सामान भरने में। क्या नाम भाई? इरफान। भाई का नाम है इरफान। बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच सामान भरने के लिए। जल्दी जल्दी ओके ओके भाई। चल गेंजी, गेंजी ने उठा लिया पूरी पूरी, बाइक पे डालेंगे और सीधा फिर घर में मिलते हैं। तो अभी पहुंच चुका हूँ घर में, टाइम हो रखा है 11:30, काफ़ी लेट हो गए, सुबह गए थे 8:30 बजे। अभी खाना वगैरह बनाने को है, मैं ही बनाऊंगा। तो ये मैं तड़का लगा रहा हूँ, ये मटेरियल काट दिया यहाँ पे, तो अब लगाएंगे तड़का जल्दी से और उसके बाद दिखाएंगे क्या क्या बनाया।
तो अभी मैंने डाल दिया इसमें टमाटर और अब पिघलने का वेट करेंगे। तो गाइस अभी एक चीज रेडी हुई है सिर्फ और मेरे को बनाते बनाते एक घंटा प्लस हो चुका है, मतलब डेढ़ घंटा होने वाला है। मैं बताता हूँ कितना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने ये पूरा मसाला मतलब तड़का तैयार कर दिया एक बारी में और अभी चने मेरे रेडी हो चुके हैं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ये मानवी पानी की बाल्टी खाते हैं और नीचे। हाँ जी मानवी आप खाओ। कैसे खाया है? नहीं है पहले ही अच्छे। और एक घंटा लगेगा मुझे टोटल चार आइटम बनाने के लिए। खाना बना दिया, कंडीशन खराब हो रखी है, तो जल्दी से नहा जाते हैं। तो गाइस देवता आ चुका है और अभी मैं काफी लेट हो चुका हूँ, 6 बजने वाले हैं और अभी नहा धो के एक बार फिर से फ्रेश हो चुका हूँ और अब निकल रहा हूँ मैं मंदिर के पास और देवते के दर्शन कराते हैं आपको भी। राहुल भंडारी जी क्या कहना चाहेंगे आप? हार्दिक स्वागत है हमारे पांचों में, कृपया करके यहाँ पर आए और देव दर्शन करें, धन्यवाद। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? अभी जी हमारे आज की गसपान जो है सभी लोग आके प्रभु नारायण जी के दर्शन करें, नारायण जी के दर्शन करें सभी। और ये देखो अक्षय भंडारी चढ़ गया ऊपर, फूलों को फंसा रहे हैं और फूलों की थालियाँ यहाँ पे सजा दी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी मार्कंडे ऋषि जी आ चुके हैं और थोड़ी देर में आपको दर्शन कराएंगे और पूरा सिस्टम दिखाएंगे, दिल थाम के बैठिए। दूसरी साइड से निकल गया है और मैं खाली रास्ते से निकला हूँ क्योंकि देवते से पहले मुझे ऊपर पहुँचना है और आगे का शॉट भी कैप्चर करना है। Thank you.
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, पार्ट में, सॉरी अगला पार्ट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो चुका है। ठीक है, तो बने रहें। ठीक है, टेक केयर, लव यू, बाय।